Hello everyone, welcome to Unacademy. My name is Shivangi Gautam and in this session on understanding the international relations of India, I will be discussing about BIMSTEC or the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. आज के सेशन में मैं क्या-क्या डिस्कस करने वाली हूँ, let me give you a quick overview of all that. BIMSTEC क्या है, किस ऑर्गेनाइजेशन या किन मेंबर कंट्रीज की वजह से फॉर्म हुआ है, इम्पोर्टेंस क्या है BIMSTEC का, ड्रॉबैक्स क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन के, इस कोऑपरेशन के, और फाइनली ये इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है एंड व्हाई वी नीड टू नो अबाउट BIMSTEC. ओके, बिफोर आई स्टार्ट द सेशन टुडे, लेट मी क्विकली टेल यू अबाउट अनअकैडमीज लर्निंग ऐप और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं. आपको स्ट्रक्चर्ड बैचेस मिलेंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, बैचेस हिंदी, इंग्लिश और बायलिंगुअल मीडियम्स में मिलेंगे, लेट नाइट एज वेल एज टू ईयर बैचेस आपको देंगे हम विद 100% सिलेबस कवरेज. There will be a vast range of options and prelims and mains ki test series hum denge with evaluation. There will be dedicated doubt clearing classes, current affair ka practice hoga, answer aur essay writing ki practice hum provide karwate hain with performance analysis, sectional quizzes and interview preparation once you have qualified the mains examination. साथ ही साथ में अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसके अलावा आपको एक लाइव क्लास एनवायरनमेंट मिलता है, पोल्स और लीडर बोर्ड स्कोर आपको रहेगा ताकि एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम आपको पता रहे हाउ हैव यू परफॉर्म्ड, आपके क्या वीक एरियाज हैं, क्या स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, आपकी पोजिशन क्या है इन द क्लास. ऑन द स्पॉट आप टीचर से अपना डाउट पूछ सकते हैं और इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर के साथ. अगर आप अनअकैडमी का आइकॉनिक कोर्स लेते हैं, इसमें आपको एक पर्सनल कोच का एक एडेड एडवांटेज होगा. ये पर्सनल कोच आपको गाइड करेगा और साथ ही साथ में आपको बेस्ट रिसोर्सेज बताएगा कि आपके प्रिपरेशन के लिए आपके जो स्टाइल ऑफ टीचिंग स्टडिंग को सूट करे, साथ ही साथ में किस तरीके से आपको आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आगे वे फॉरवर्ड लेके जानी चाहिए, किन एरियाज पे फोकस करना चाहिए, उन सारे एरियाज पे आपको पर्सनल कोच गाइड करेगा. अगर आप अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक कोई भी कोर्स लेते हैं, आप कोड यूज कर सकते हैं SHIVIAS एंड यू कैन गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑफ. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, द कोड इज SHIVIAS और 10% का आपको ऑफ मिल जाएगा उस पर. ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, अगर मैं बात करूं BIMSTEC की, BIMSTEC क्या है, किस ऑर्गेनाइजेशन से बना है, कौन कौन मेंबर्स हैं, तो BIMSTEC स्टैंड करता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसके 7 मेंबर्स हैं. सो BIMSTEC एज एन ऑर्गेनाइजेशन हैज 7 मेंबर्स. अब ये जो मेंबर्स है ये कहाँ लोकेटेड है, सारे मेंबर्स लोकेटेड हैं बे ऑफ बंगाल एरिया में, बंगाल की खाड़ी जिसको बोलते हैं वहां पे लोकेटेड हैं, एक्सेप्ट 2 मेंबर्स जो कि हैं नेपाल और भूटान. व्हाई सो, बिकॉज ये दोनों नेशंस लैंडलॉक्ड हैं. सिंस नेपाल एंड भूटान आर लैंडलॉक्ड, यही दो ऐसे नेशंस हैं जो कि बे ऑफ बंगाल के अराउंड लोकेटेड नहीं है. नाउ व्हाट आर द मेंबर कंट्रीज, वी हैव इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड. ये 7 नेशंस जो पार्ट बने हैं इस ऑर्गेनाइजेशन का, ये सेटअप हुई थी 1997 में. ठीक है, 1997 में जब ऑर्गेनाइजेशन बनी, इसका सेक्रेटेरिएट बना ढाका में जो कि कैपिटल सिटी है बांग्लादेश की. अगर मैं बात करूं मेंबर्स की, तो आप यहां पे इस मैप के थ्रू देख सकते हैं द पोजीशन ऑफ ऑल द नेशंस दैट आर गिवन ओवर हियर. सो नेपाल इज अ लैंडलॉक रीजन, सेम इज भूटान, ये आया आपका इधर बांग्लादेश, हियर इज म्यांमार, थाईलैंड एंड श्रीलंका विद इंडिया एट द सेंटर. ओके, तो ये आपके सारे मेंबर कंट्रीज हैं BIMSTEC के और सारे लोकेशन एज पर दिस मैप. डू नॉट वरी, डू नॉट नोट दिस डाउन, ये PDF आपके साथ शेयर होगा पोस्ट दिस सेशन, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इसमें भी. मूविंग अहेड, अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंस क्या है BIMSTEC की, तो एक मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है BIMSTEC जो कि किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अडहेरेंस टू इंटरनेशनल लॉ, रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड नॉन इंटरफेरेंस इन द मेंबर स्टेट्स इंटरनल मैटर्स. मतलब जितने भी नेशंस है वो एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे. ठीक है, साथ ही साथ में रिस्पेक्ट करेंगे सोवरेनिटी वो लोग दूसरे नेशंस की या जो मेंबर कंट्रीज है उनकी, और जो इंटरनेशनल लॉज है उनको फॉलो करेंगे. ये अचीव करना चाहता है या ये होप करता है टू अचीव एक साउथ एशियन रीजन इंटीग्रेटेड हो जैसा कि जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन है. सो द मेजर टारगेट या मेजर फोकल पॉइंट ऑफ BIMSTEC एज अ कोऑपरेशन इज कि जो साउथ एशियन रीजन है, दे वांट इसका कोऑपरेशन और इसका इंटीग्रेशन हो विद द साउथ ईस्ट एशियन नेशन. ठीक है, या साउथ ईस्ट एशियन रीजन. नाउ जो ग्रुप है इसकी इंपॉर्टेंस हम किस तरीके से गेज कर सकते हैं या किस तरीके से इसका अंदाजा लगा सकते हैं, उस फैक्ट से जो कंबाइंड GDP है इस एरिया की वो $3 trillion की है. जितने भी BIMSTEC मेंबर्स हैं, कंबाइंड GDP इनका $3 trillion है एंड दे आर होम टू रफली 1.5 billion पीपल. ठीक है, तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ट्रेड के पर्पसेस से, फॉर दी पर्पसेस ऑफ ग्रोथ और इंटरनेशनल लॉज को अडियर करने के लिए. अब 14 प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं यहाँ पे. कौन से 14 प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, लेट्स टेक अ लुक एट ऑल ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर्स वन बाय वन. पहला है आपका ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट. ठीक है, देन कम्स टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, टूरिज्म है, फिशरीज है, एग्रीकल्चर है,
कल्चरल कोऑपरेशन है, एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इज देयर, क्लाइमेट चेंज, पब्लिक हेल्थ, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, पॉवर्टी एलिविएशन है, काउंटर टेररिज्म है और ट्रांसनेशनल क्राइम है। ये सारे 14 प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं जिन पे बिम्स्टेक वर्क करता है। अब मेजर फोकल एरिया क्या है, क्योंकि 7 नेशन है तो हर नेशन दो या दो से ज्यादा एरियाज में इन्वॉल्व होगा और वर्क करेगा। नाउ वंस यू आर वंस बाय यू आर वाचिंग दिस सेशन और यू वॉच दिस सेशन, टेल मी इन द कमेंट्स कि इंडिया कौन से प्रायोरिटी सेक्टर्स पे काम करता है इन बिम्स्टेक। ठीक है, तो दिस इज अ लिस्ट ऑफ द 14 प्रायोरिटी सेक्टर्स जिन पे बिम्स्टेक के 7 नेशन काम करते हैं और हर नेशन कम से कम दो ऐसे सेक्टर्स है जिन पे काम करता है। ठीक है, मूविंग अहेड, अगर मैं ड्रॉबैक्स की बात करूँ कि क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या इल इफेक्ट्स है, नेगेटिव इफेक्ट्स हमको देखने को मिले हैं बिम्स्टेक के, पहला तो ये कि इनकी मीटिंग्स बहुत कम होती हैं, कभी कभार ही मिलते हैं, रेगुलर इंटरवल पे ये लोग नहीं मिलते हैं। साथ ही साथ में अब आप इससे अंदाजा लगाओ, जब से क्रिएट हुआ है ये ग्रुप 1997 से, इट हैज बीन रफली 23 इयर्स, सिर्फ 4 मीटिंग्स हुई हैं जहां पे जो हेड ऑफ स्टेट है वो मिले हैं। ठीक है, ये इरेगुलर मीटिंग्स जो है इसके तहत जो एक सस्टेनेंस है इस ऑर्गेनाइजेशन का वो बहुत ज्यादा हार्म हो सकता है। दूसरा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि जो प्रायोरिटी सेक्टर्स है उनको मॉनिटर नहीं करा जाता, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इस एरिया में बहुत काम करने की जरूरत है। एंड फाइनली इंटरनल डिफरेंसेस और जो डिस्प्यूट्स हैं इन मेंबर नेशंस के बीच में, दैट इज समथिंग व्हिच हैज बिकम अ बोन ऑफ कंटेंशन, एंड उसकी वजह से बिम्स्टेक एज एन ऑर्गेनाइजेशन और एज अ कोऑपरेशन ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट्स जो पिछले कुछ टाइम में देखने को मिले हैं वो म्यांमार और बांग्लादेश में रेफ्यूजीज के बीच में देखने को मिले हैं रिलेटेड टू द रोहिंग्या इशूज। साथ ही साथ में इंडिया और नेपाल के फंक्शन का हमने जो अभी तक रिलेशनशिप है उसका हमने डाउन टर्न देखा है। हमने देखा है कि नेपाल किस तरीके से चाइना की तरफ ज्यादा अफेक्शनेट हो रहा है या टूवर्ड्स चाइना कैसे बेंड हो रहा है और इंडिया को पीछे छोड़ रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये ड्रॉबैक्स पर अगर बिम्स्टेक ने वर्क कर लिया एंड इट प्रूव्स या इम्प्रूव्स ऑन दीज एरियाज, तो बिम्स्टेक एज अ कोऑपरेशन थोड़ा सक्सेसफुल हो जाएगा और जो हम इंटीग्रेशन चाहते हैं साउथ एशियन रीजन का, साउथ ईस्ट एशियन रीजन के साथ, वो मिल जाएगा। फाइनली अगर हम बात करें बिम्स्टेक इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका क्या मेजर रीजन है, तो इंडिया को हम एक रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इंडिया में दिक्कत ये आती है कि क्योंकि सार्क में बहुत सारे इंटरनल फिजर्स हैं पाकिस्तान के प्रेजेंस की वजह से, और पाकिस्तान की जो एक जिद है कि वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे क्रैकडाउन नहीं करेगा, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट बिम्स्टेक एक अच्छा ऑल्टरनेटिव निकल के आता है जिसका पाकिस्तान मेंबर नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि बिम्स्टेक अभी भी बहुत रेगुलरली मीट नहीं करता है और प्रायोरिटी सेक्टर्स पे कुछ भी डिजायर्ड वर्क नहीं हुआ है। जो ऑर्गेनाइजेशन है बिम्स्टेक उसमें सारे नेशन है एक्सेप्ट पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड मालदीव्स। सो द मेजर इशू विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान दैट इंडिया हैज हैड इज इन टर्म्स ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म स्पेशली विद पाकिस्तान, जिसकी वजह से इंडिया को बहुत नुकसान होता है। देन इंडिया के जो गोल्स हैं उनको कनेक्टिविटी इन्हांस करनी है या जो भी एनर्जी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं इस रीजन में वो कंसिडरेबली बूस्ट होंगे अगर इंडिया बिम्स्टेक में अच्छे से रहे एंड अगर हेल्प करे या इंश्योर करे दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज। फाइनली बहुत सारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया परसू कर रहा है, जैसे वी हैव द इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे हो गया, ठीक है, देन द बांग्लादेश भूटान इंडिया एंड द नेपाल BBIN प्रोजेक्ट हो गया। ये सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया कंटिन्यूअसली फोकस कर रहा है, परसू कर रहा है कि इन वन फॉर्म ऑफ द अदर दे हैपन एंड दे विल एक्चुअली बी अ गेम चेंजर फॉर इंडिया। जहाँ पे हम इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी की बात करते हैं, सो दिस इज समथिंग विच कैन एक्ट एज अ सिग्निफिकेंट बूस्टर देयर। ओके, so guys this was it from my side in this particular session. Before I wind up, let me quickly tell you about T20 daily current affair test series that we are having. ये पूरा दिसंबर मंथ चलेगी, फ्री टेस्ट सीरीज है यूपीएससी सीएससी की तरफ से। दीजिए इन टेस्ट को और जानिए कि आपकी 2021 एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी जा रही है। दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड इन दिस पर्टिकुलर सेशन। आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, आप हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर टाइम।